इंटरव्यू दे बड़ी तब से 3-4 गो बानर सब के आ वो बानर का जो पवन सिंह के लड़धड़वा सब बा बड़ी मिर्ची लागत है कि पवन सिंह के ऊपर वो आरोप लगावता है यार मेहरारू आयु एक साथे बेड पर समय बीतल हो तोन के माय तोनी के माइयो तो साथे बीतल हो पवन सिंह के साथे कि तोन के इतना बेचैनी हो जाला तो रुपया ले लेगी तलाक दे देगी पैसा के लालच है पवन सिंह के मुआइयो देते न 3-2 में जेलो जते तो पवन सिंह के सारा संपत्ति ओकरे होते ये बात पता बा कि ना लेकिन एगो औरत बा वो काचे अपना इंटरव्यू में कहते रहे कि हम अपने माँ बाप के इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसके साथ रह सकते हैं मेरा पर्सनल राय मैं उसके साथ नहीं रह सकती सब कोई अक्षर सिंह है कि बेवकूफ लेकर रह गई पेपर बनैले रहती तो आज जान तरह का कैले रहती ताप ओकर भूसरा फाड़ दिले रही अक्षरा सिंह 3 महीना का बच्चा है का गलत बोले बा अगर गलत ना जब अगर वो बोलक न ज्योति सिंह आज 2-3 दिन हो गए हो अभी अक्षरा सिंह के रिप्लाई आ गए रहे सुभाष मिश्रा मुँह पर सुभाष मिश्रा मैटर पर कितना जल्दी रिप्लाई आवे कोनो मैटर होला तो कितना जल्दी रिप्लाई आवेला एक मैटर में रिप्लाई कहना आयल कहे कि बात सच्चाई बा टोनी के बानर से बोला था रेनू तोर तोर बाप हूँ पवन सिंह के साथ रहे वाला लोग कहिए कि मतारी के लिए खा के बोलो कि हाँ अक्षरा सिंह वाला बात सही बाकी गलत नमस्ते बड़ा हम आप तब भाई को हम आप तब के भाई सौरभ इसवरिया अब भैया हम रोज वीडियो नहीं बनाते हैं हम हाउस ऑफ लेकर कुकुर बिलार तो लेखा नहीं क्योंकि हमारा कमाए के बाद हम रोज वीडियो बनाई साले के हम जब वीडियो बनाबे पर उतर जाए तो अपने के बापे रहे यही तो हम कम वीडियो बनाबो नहीं आज बोलो नहीं सटीक बोलो नहीं हम देखा था जब से पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह इंटरव्यू दे बड़ी तब से 3-4 गो बानर सब के आ वो बानर का जो पवन सिंह के लड़धड़वा सब बा बड़ी मिर्ची लागत है कि पवन सिंह के ऊपर वो आरोप लगावता है यार मेहरारू आयु एक साथे बेड पर समय बीतल हो तो उनके माय तोनी के माइयो तो साथे बीतल हो पवन सिंह के साथे कि तो उनके इतना बेचैनी हो जाला वो टाइम बीतल है तो ज़्यादातर तोर तोर माइयो ना जाना सुनियो कि तोनी के आके वो औरत के ऊपर उल्टा इधर टिप्पणी करत रहे ओकरा साथे जो घटना घटल बा तो बोलता हमारा साथे जो रहे वाला लोग हमारा जितना जाना तो हमारे वीडियो देखे वाला लोग हमारा उतना ना जाना था तो पवन सिंह के वो पत्नी है तो पवन सिंह के ओकरा से ज्यादा कोई ना जाना थोड़ी या तो पवन सिंह के मतारी जाना थोड़ी या पवन सिंह के मेहरारू जाना थोड़ी ये 2 आदमी नहीं जानी भाई और तो कोई नहीं जान सकत कि जो पीछे पीछे घूमे ला से लालच से अपना नाम ला अपना काम ला पैसा कमाए ला पत्नी ना तोनी के कुकुर बानर से आगे कहत रह बोलू कि 10 करोड़ रुपया ले लेगी तलाक दे देगी पैसा के लालच है पवन सिंह के मुआइयो देते न 3-2 में जेलो जते तो पवन सिंह के सारा संपत्ति ओकरे होते ये बात पता बा कि ना लेकिन एगो औरत बा वो काचे अपना इंटरव्यू में कहत रहे कि हम अपने माँ बाप के इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसके साथ रह सकते हैं मेरा पर्सनल राय मैं उसके साथ नहीं रह सकती काहे वो मीडिया लाइन के है 7 गो घाट के पानी पी ले है सब कोई अक्षर सिंह है कि बेवकूफ लेकर रह गई पेपर बनैले रहती तो आज जान तरह का कैले रहती ताप ओकर भूसरा फाड़ दिले रही अक्षरा सिंह लेकिन ओकरा तो चुटिया बना के ओकरा साथ यूज कर गए अब बोलक कि 3 महीना का बच्चा है का गलत बोले बा अगर गलत ना जब अगर वो बोलक न ज्योति सिंह आज 2-3 दिन हो गए हो अभी अक्षरा सिंह के रिप्लाई आ गए रहे सुभाष मिश्रा मुँह पर सुभाष मिश्रा मैटर पर कितना जल्दी रिप्लाई आवे कोनो मैटर होला तो कितना जल्दी रिप्लाई आवेला एक मैटर में रिप्लाई कहना आयल कहे कि बात सच्चाई बा आ टोनी के बानर से बोला था रेनू दे तोर तोर बाप हूँ पवन सिंह के साथ रहे वाला लोग कहिए कि मतारी के लिए खा के बोलो कि हाँ अक्षरा सिंह वाला बात सही बाकी गलत बा अक्षरा सिंह लड़की बा अपना इज्जत के बचावे के चाहत ऐसे नु चीज के इन्हें के करत क्या कि बात में सच्चाई बा ऊपर पत्नी बा वो जो बात बोलत हुई एकदम परफेक्ट बोलत हुई ओकरा घूमे आगे पीछे घूमे वाला लोग नहीं कि क्यों ओकरा पर ऊपर आरोप लगा दी वो कुछ बोल ले हुई तो सोचे समझ के बोल ले हुई समझ ले बेटा सर तो तनी के तनी औरत के महिला के सम्मान करो कर केकरो बारे में आके बोलल मत कर बोल ना गोरखपुरिया भौजी के बोल जो फालतू चीज देखावे इंस्टाग्राम पे औरत ओकरा करियो ओकरा बोल तू यार ओकरा बोलत रही पवन सिंह के पत्नी बा आज रह के चाहे न अगर अपना जीत पर आ जाए तो रखे के पड़ी समझ ले रख 2 दिन में मुआ दी सारा संपत्ति हर पे अगर संपत्ति के लालच ही हुई तो उनके ना समझाते रे तो केहू के ऊपर आरोप मत लगा ओकरा साथे गलत कैले बा सब यार औरत गलत नहीं हो सकती है भाई वीडियो बना या अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम लोग सड़वा क्या करता है जो ज्योति सिंह के ऊपर आरोप लगा रही है अगर तुम्हारी बहन रहती ज्योति सिंह तो तुम लोग सड़वा क्या करता रे सोचो एक बार किसी के बारे में आके पवन सिंह के चलते बोल देना है किसी के बात को पहले समझा जाता है
मीडिया लाइन के ना कि कुछ बोल दे कर ली ओकरा काम करे रहे। अगर आज अपना उतर जाए रिजेक्ट खा ले पवन सिंह के कहीं स्टेज शो पे ज्योति सिंह डांसो करे जाए तो लोग कहे कि पवन सिंह के मेरा रुआ समझ में आए सरवा इतनो तो बुझ कि वहू लंग इज्जत पवने सिंह के जाई तो इससे चीजवा बुद्धि विवेक रख कुछ गलत मत बोल उ लोग पति पत्नी के मैटर बा उ लोग के अपना हिसाब से सेटअप करे कारण पवन सिंह के ज्योति सिंह के बाद रिप्लाई देव कि गलत बारन की सही काय कोर्ट कचहरी घूमत रहन जब ही सही रहतन था खराब बा खराब रही तो अभी सलाह के इतना दिन हो गए कहीं एगो चीज लगवैले हुई खबर कि पकड़ पकड़ आज ले लागल तो वह लड़की सही बा तब न अपना हक के लड़ाई को रहता है संपत्ति के लालच बा साले लोग वीडियो बनावे ला कुछ बक बक केकरो बोल देवे के बा मत बोलल कर तो हमारी नाम धके मैं तारी बहन करें समझा देव तनि चल तन भाई लोग वीडियो अच्छा लगल तो शेयर कर लेम जे लोग हमारा पेज के माध्यम से देखा तनि पेज के फॉलो कर लेम यूट्यूब के माध्यम से देखा तनि तो यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब कर लेम चल तनि प्रणाम।